हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन पे कि जब हम मार्शल आर्ट्स को चुनते हैं, जब हम सोचते हैं कि कौन सी मार्शल आर्ट्स बेस्ट मार्शल आर्ट्स होगी। तो मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका एक सवाल होता है कि कौन सी मार्शल आर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट है, कौन सी मार्शल आर्ट बेस्ट मार्शल आर्ट है। तो ये एक क्वेश्चन जो है, ये एक अपने माइंड में बनाया हुआ, बुना हुआ एक गलत क्वेश्चन है। इसका जो मायना है वो आपको कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे कि यूट्यूब पे कि टाइकोंडो इज बेटर देन मुई थाई, मुई थाई इज बेटर देन कराटे, कराटे इज बेटर देन बॉक्सिंग। तो बेटर आदमी है, बेटर कोई मार्शल आर्ट नहीं हो सकती। सभी मार्शल आर्ट्स अपने आप में पूरी तरह से पारंगत हैं, सभी मार्शल आर्ट्स में सब कुछ है। एक आदमी अपने पंच को ही इतना स्ट्रांग बना लेता है कि वो दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से, चाहे दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को कितना ही कुछ किक्स पंचेस आते हों, उसको बीट कर देता है। एक मार्शल आर्टिस्ट को एक ही किक आती है लेकिन वो बाकी मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा स्ट्रांग साबित हो जाता है क्योंकि वो उसी किक से जीत जाता है। तो यू अंडरस्टैंड कि इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ मार्शल आर्टिस्ट, नॉट द क्वालिटी ऑफ मार्शल आर्ट्स। तो मार्शल आर्ट्स आप कोई भी ज्वाइन करते हैं तो उसका पर्पस ये मत देखिए कि आप कौन सी मार्शल आर्ट सबसे स्ट्रांग मार्शल आर्ट है। जो भी मार्शल आर्ट्स आप देखने जाएंगे या किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के पास जाएंगे तो वो अपनी मार्शल आर्ट को स्ट्रांग मार्शल आर्ट ही कहेगा, कंपेयर भी कर सकता है वो दूसरी मार्शल आर्ट से। पर ये कंपैरिजन करना अच्छा नहीं है, इस बारे में सोचना सही नहीं है। अगर आपको सच में विचार करना है कि कौन सी मार्शल आर्ट्स, तो आप ये देखिए कि आप मार्शल आर्ट्स को किस पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, उस पर्पस को यूज करिए, उस पर्पस के लिए आप सीखने जाइए। देखिए, आपका अगर मेन पर्पस है सेल्फ डिफेंस या ऑफेंस, या कुछ लोगों का पर्पस होता है एमएमए में घुसना, तो एमएमए में अलग अलग तरीके के मार्शल आर्टिस्ट हैं। कोई ताइक्वांडो ट्रेंड है, कोई मुई थाई ट्रेंड है, को आजकल एमएमए के नाम से भी सिखाया जा रहा है कि सिर्फ एमएमए सिखाएंगे। नई मार्शल आर्ट्स आई हैं जो यूरोपियन कंट्रीज की हैं, क्राव मागा एक मार्शल आर्ट है, जो इजरायली मार्शल आर्ट्स है, और ब्राजीलियन मार्शल आर्ट्स है, कैपोएरा है, और जिजुत्सु है, और कई मार्शल आर्ट्स हैं जो गुम हो चुकी हैं, जैसे सवाटे है, कराटे है, उसके कई अलग अलग फॉर्म्स हैं। आप अगर मार्शल आर्टिस्ट को देखना चाहते हैं तो पुराने ट्रेडिशनल कराटे के मार्शल आर्टिस्ट को देखिए, शोटोकन वॉरियर्स को देखिए, बहुत डेंजरस हैं। एक मसुतात्सु नाम के बहुत शानदार मार्शल आर्टिस्ट हुए हैं जो कराटे के मास्टर थे, लेकिन वो एकमात्र ऐसे वॉरियर हुए हैं जिनके नाम पे 300 मैन कुमेती विनिंग जो है वो दर्ज की गई है। 3 दिन तक लगातार 100 ब्लैक बेल्ट्स पर डे उन्होंने फाइट की और 100 के 100 को नॉकआउट किया। चौथे दिन वो वापस खड़े रहे एक शोल्डर इंजरी के साथ, पर कोई नहीं आया। तो इस चीज को समझिए कि कितने मार्शल आर्टिस्ट आए होंगे उनसे लड़ने, तो ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है। उस एक आदमी ने अपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुल्स को यूज किया, बुल्स को भी नॉकआउट किया उस बंदे ने। तो यू विल फाइंड सच मार्शल आर्टिस्ट। एक मार्शल आर्टिस्ट हुए हैं यामागुची, उन्होंने टाइगर को हराया। मतलब आप देखिए कि हम लोग अभी सिर्फ आपस में सोच रहे हैं एक ह्यूमन टू ह्यूमन फाइट के लिए, और वो एनिमल्स से भी मतलब फाइट करके अपने आप को विन कर चुके हैं। कोई रेसलर इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो मार्शल आर्टिस्ट पे भारी पड़ जाए? तो मार्शल आर्ट्स को बेस्ट मत देखिए, मार्शल आर्ट्स को बेस्ट बनाइए। आप घुसिए, आपको समय लगेगा, वो समय दीजिए। एक शानदार मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए कम से कम, मैं 10 साल बोल रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ 3 साल 4 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। 3 साल में आप बनना शुरू हो जाएंगे, 10 साल लग जाते हैं एक कंप्लीट ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट बनने में। दैट टू 10 साल में एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंट अपग्रेडेशन होना चाहिए आपकी प्रैक्टिस में। मैं एग्जांपल देता हूँ, अपग्रेडेशन किसे कहते हैं? एक सिंपल पुशअप्स को लेके चलते हैं। जब आप फर्स्ट डे जिम में जाते हैं या किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप देखिए आप कितने पुशअप्स कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ आप 0 पुशअप्स करते हैं। पहला पुशअप किया, आप नीचे गिर गए, चेस्ट टकरा गई, आपकी चिन टकरा गई, आप नहीं कर पाए। एक हफ्ते के बाद आप 3 से 4 पुशअप्स कर पाए, लेकिन वो भी हाफ पुशअप्स कर पाए। एक 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद आप 3 4 कंप्लीट पुशअप्स कर पाए, बाकी फिर हाफ पुशअप्स कर रहे हैं, फिर पुशअप्स हो नहीं रहे हैं, आपके आपके शोल्डर्स और आपकी ट्राइसेप्स लॉक हो रही हैं, आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कमर टूट रही है आपकी। 1 साल के बाद आप देखेंगे कि आप आराम से 20 पुशअप्स 30 पुशअप्स कर पा रहे हैं। 10 साल में आप ऐसे हो सकते हैं कि आप 50 50 पुशअप के 10 सेट कर पा रहे हैं।
तो आप अपने आप को अपग्रेड कंसिस्टेंटली करें। हर मार्शल आर्ट्स उतनी दमदार है, लेकिन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आपने कितना डेडिकेशन दिया है। कोई भी मार्शल आर्ट हो, कैसी भी हो, छोटी से छोटी मार्शल आर्ट्स हो, कुछ मार्शल आर्ट्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो पाई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट्स हैं, उनको सीखना बहुत अच्छा है। सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत शानदार मार्शल आर्ट्स हैं आईकिडू नाम से। आईकिडू में लॉक्स सिखाते हैं, होल्डिंग सिखाते हैं, एल्बो लॉक सिखाते हैं, चोक सिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट्स है सेल्फ डिफेंस के लिए। बट ये भी कहाँ सिखाई जाती है, आई डोंट नो। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आसपास कहीं भी आईकिडू की ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स नहीं है। तो जो भी आईकिडू सिखाते हैं मेरे जैसे, उनको थोड़ा बहुत आईकिडू आता है। मैं कम्प्लीटली ताइक्वांडो ट्रेनर हूँ, तो मैं ताइक्वांडो बहुत अच्छा सिखा सकता हूँ। आईकिडू मैंने थोड़ा बहुत अपने इंस्ट्रक्टर से सीखा है, थोड़ा बहुत मैंने वीडियोज देख के बनाया सीखा, तो मैं वो थोड़ा बहुत सिखा सकता हूँ। बट आई एम नॉट कम्प्लीटली ट्रेंड आईकिडू मास्टर। तो जो आईकिडू है वो जूडो से ही बनी है, तो जूडो के जो मास्टर थे उन्होंने ही आईकिडू को डेवलप किया है। आईकिडू के जो फाउंडर थे उनका नाम है उशिबा, पूरा नाम मैं अभी भूल गया हूँ, उनका नाम है उशिबा। तो आप सर्च कर सकते हैं आईकिडू के फाउंडर और आईकिडू की मार्शल आर्ट्स को। तो लोग सोचेंगे कि आईकिडू कहाँ की स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट्स है, उसमें तो लॉक होल्ड पकड़ना है, पीछे से कोई किक मार दे कोई। आजकल ताइक्वांडो में बहुत शानदार किक्स चल रही हैं, 720 900 डिग्री एयर में घूम के। ये सब चीज़ें डेमोन्स्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी हैं। मैं कोई मार्शल आर्ट को बुरा या अच्छा नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है वो ताइक्वांडो प्लेयर बाकी लोगों पर भारी पड़े, हो सकता है कोई दूसरा मार्शल आर्टिस्ट उस पर भारी पड़ जाए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ट्रेनिंग यू हैव डन। चाहे आप सिंपल बॉक्सर ही क्यों ना हो, आप दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से अच्छे हो सकते हो। कई सारी चाइनीज मार्शल आर्ट्स हैं, विंग चुंग है या वुशु है या और बहुत सारी मार्शल आर्ट्स हैं, कुंग फू है या फिर आप ताइक्वांडो है या फिर कराटे के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, शोटोकॉन है, बुडोकॉन है, या गोजोरियो मार्शल आर्ट है, शोतोरियो मार्शल आर्ट्स है, इस तरीके से और बहुत सारे फॉर्म्स हैं मार्शल आर्ट्स के। मुई थाई है, किक बॉक्सिंग है, तो इस तरीके के मार्शल आर्ट हैं। आप कहीं भी घुसें, बिल्कुल विश्वास करके घुसें, अपने इंस्ट्रक्टर पे विश्वास करके घुसें। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ कंप्लीट डेडिकेशन दें, आप अपग्रेड हों, अपने आप को अपग्रेड होते हुए देख पाएं। आप इतने एजुकेटेड हैं कि आप किसी भी मार्शल आर्ट्स को देखते हैं, तो आज की दुनिया सब मोबाइल में है, आप वीडियो खोल के देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा जो आपका ट्रेनर है वो उस लेवल पे सिखा पा रहा है कि नहीं, या आप किसी लेवल तक तो पहुंचेंगे। तो शुरुआती लेवल पे अगर आपको अच्छा ट्रेनर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई भी ट्रेनर मिलेगा तो वो आपको बेसिक्स तो बहुत अच्छे क्लियर कर देगा। तो बेसिक्स भी देखने के लिए आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं कि आपको उसमें बेसिक्स आम आदमी देख सकता है कि जो सीख रहा है और जो वीडियोस में दिख रहा है उसमें कितना फर्क है, क्या क्वालिटी में फर्क है। अगर आप अच्छा सीख पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो और जगह ढूंढिए, आपको अच्छे ट्रेनर मिल ही जाएंगे। जब आदमी प्यासा होता है तो वो कुआं ढूंढ ही लेता है, तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मार्शल आर्ट्स को बहुत स्ट्रांग सोचने की ज़रूरत नहीं है, मार्शल आर्ट्स के अंदर ह्यूमन स्ट्रांग है। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट स्ट्रांग हो सकता है, वो आपको बनने की ज़रूरत है, उसके लिए डेडिकेशन की ज़रूरत है। मैं आज इतना ही समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।